Hello everyone. Today we will learn second chapter of history, and the name of the chapter is From Trade to Territory the Company Establishes Power. मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक ट्रेड के हिसाब से इंडिया आई थी अपना बिजनेस करने के लिए. देन आफ्टर उन्होंने यहाँ पर अपनी टेरिटरी जमा ली थी. उसके रिगार्डिंग ये पूरा चैप्टर है जो हम आज पढ़ेंगे. सो औरंगजेब जो थे वो सबसे लास्ट मुगल रूलर थे और उन्होंने कई सारे एरियाज़ पे अपनी टेरिटरी जमाई थी जिसमें से इंडिया भी एक था. और उनकी डेथ जो है वो 1707 में हुई थी. और उसके बाद जो कई सारे मुगल गवर्नर्स जिसको सूबेदार्स कहा जाता था, कई बड़े ज़मींदार्स होते थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो अपनी अलग अथॉरिटी जमा ली, ठीक है, उन्होंने अपने अलग रीजनल किंगडम्स बना दिए, उनके अपने अलग रीजनल किंगडम्स एस्टैब्लिश कर दिए. और जो भी रीजनल किंगडम्स बने वो एकदम पावरफुल बने इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में. और दिल्ली की जो इफ़ेक्टिव पावर थी वो बहुत कम होती गई. सो बाय द सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब 1750 के आसपास, जो ब्रिटिश है वो एकदम पावरफुल होती गई. और मतलब ये जो ब्रिटिशर्स है वो मतलब इंडिया में अपने ट्रेड के हिसाब से आए थे. उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो कोई टेरिटरीज़ को एक्वायर करें. लेकिन वो ऐसे ऐसा क्या हुआ कि वो एकदम मास्टर हो गए इतने बड़े एम्पायर को, उन्होंने पूरा राज करना स्टार्ट कर दिया, वो सब हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बहादुर शाह जफर है और उनके बेटे को कैप्टन हडसन ने अरेस्ट कर लिया है. औरंगजेब के बाद कोई भी एकदम पावरफुल मुग़ल रूलर नहीं था. और उसके बाद जो भी रूलर्स आए वो कैसे थे मतलब एक सिम्बॉलिकली इम्पॉर्टेंट थे सिर्फ नाम के कहने के लिए. देन आफ्टर एक मैसिव रिबेलियन हुआ ब्रिटिशर्स के सामने 1857 में, जहाँ पर जो बहादुर शाह जफर है जो एक मुग़ल एम्परर थे वो सिर्फ एक नेचुरल लीडर का नाम उनको खाली दिया गया था. उसके बाद जो ये बहादुर शाह जफर है उनको मतलब उनके किंगडम से हटाया गया और उनके बेटे को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी. यहाँ पर जो ये मैप दिया गया है ये एक रूट है ब्रिटिश से इंडिया आने का, जहाँ पर ब्रिटिश से ये लोग जो फर्स्ट टाइम आए थे वो कैलीकट में आए थे. एंड इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर एक्वायर किया इंग्लैंड की क्वीन से, क्वीन एलिजाबेथ वन से. और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, याद रखना. और ये जो क्वेश्चन है वो केबीसी में 1 करोड़ के क्वेश्चन में पूछा गया था. चार्टर मतलब होता है एक तरह का एग्रीमेंट. और ये जो एग्रीमेंट था वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था. तो ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी मतलब इंडिया आ जाया करती थी, ठीक है, और उनको मतलब ये था कि हमें तो एग्रीमेंट मिल गया है तो हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है. तो वो मतलब आसानी से यहाँ पर इंडिया आते थे, जो भी माल सामान होता था, जो भी गुड्स होता था वो एकदम सस्ते भाव से, सस्ते दाम से यहाँ से ले जाके फिर यूरोप में जाकर वो एकदम हायर प्राइसेस में वो लोग बेचते थे. द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज, मतलब उनको कोई कंपनीज का कोई डर नहीं था क्योंकि उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था. मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरीली इन एक्सक्लूडिंग कॉम्पिटिशन. तो मर्केंटाइल का मतलब होता है अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरीली थ्रू ट्रेड बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग दैम एट हायर प्राइजेस. मतलब मर्केंटाइल ट्रेडिंग जो है कंपनीज जो है वो मतलब जो प्रोडक्ट्स होती है, जो गुड्स होते हैं वो एकदम चीप प्राइस में खरीदते हैं और एकदम हायर प्राइसेस में उसको बेच देते हैं. अब जो ये रॉयल चार्टर है, मतलब जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो दूसरे देशों को तो ईस्टर्न मार्केट में आने से रोक नहीं सकता. सो बाय द टाइम जो इंग्लिश शिप थी सो वो मतलब कोस्ट ऑफ अफ्रीका से होके केप ऑफ गुड होप होके इंडियन ओशन में आई थी, जहाँ पर पोर्चुगेज ऑलरेडी वहाँ पे अपना धावा बोले हुए थे वेस्टर्न कोस्ट में इंडिया में. वो उनका बेस था गोवा में. सो वास्को डा गामा जो एक पोर्चुगेज एक्सप्लोरर था उसने यहाँ पे इंडिया आने का जो रास्ता था वो 1498 में ही ढूंढ लिया था. मतलब उसके 100 साल बाद, मतलब जो ब्रिटिशर्स है उसके 100 साल बाद आए थे इंडिया में, मतलब 1600 में. और बाय द 17th सेंचुरी द डच टू वेयर एक्सप्लोरिंग. और उसके बाद जो डच है, जो नैदरलैंड के लोग होते हैं उसे हम डच कहते हैं, वो भी अपने ट्रेड के लिए इंडियन ओशन में आ गए थे. और उसके बाद फ्रेंच ट्रेडर्स भी अंदर आ गए थे अपने ट्रेडर्स के लिए. और मतलब यहाँ इंडिया में जितनी भी कंपनीज आई थी बाहर से, उनको सिर्फ 3 ही चीज़ें इंडिया से चाहिए थी, वो थी कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस.
और उस टाइम पे इंडिया में ये तीनों चीज़ों का इतना मार्केट था कि सारी कंपनियां इसको लेने के लिए दौड़ती थी। यहाँ पर जो यूरोपियन कंपनीज थी उनके अंदर बहुत एक कंपटीशन चल रहा था, ठीक है, जो गुड्स थे उनके बारे में कंपटीशन चल रहा था, और वो लोग वहाँ मतलब जो इंडिया से जो चीज़ ले जा रहे थे, जो प्रोडक्ट वो लोग ले जा रहे थे, वो मतलब यूरोप जाकर एकदम हाई प्राइस में उसको बेचते थे। तो यहाँ पर जो था वो मतलब एक कंपटीशन के कॉम्पिटिटर्स आ गए थे यूरोपियन कंपनीज़ में। तो वो कॉम्पिटिटर्स को ख़त्म करने के लिए ये लोग क्या करते थे कि जो सामने उनका जो कॉम्पिटिटर होता था उनके साथ ये लोग बैटल करते थे, ताकि वो सामने की जो कंपनी है वो उनके साथ ट्रेडिंग नहीं करें। एंड थ्रू द 17th and 18th century क्या हो गया कि जो उनके ट्रेडिंग के जो शिप्स होते थे उनको डुबो दिए जाते थे, उनके जो रास्ते होते थे रूट्स गुड्स को ले जाते थे वो रास्तों को बंद कर दिया जाता था। एंड दे ऑल्सो प्रिवेंट राइवल शिप्स, और जो मतलब जो ये सप्लाई जो करते थे गुड्स लेके जाते थे तो उनके जो शिप्स होते थे उनके ऊपर भी ये लोग हमला कर देते थे। पहले अपने ट्रेड को संभालने के लिए आर्मी रखी जाती थी, एंड ट्रेडिंग पोस्ट्स वेयर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन मतलब उनकी जो इंडस्ट्री होती थी वहाँ पर एक किला बना दिया जाता था जहाँ पर वो आर्मी को रख सकते थे, और जिससे उनकी जो फैक्ट्री है वो उसकी देखभाल करते थे आर्मी वाले। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी फैक्ट्री को बचाने के लिए वहाँ पर फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, तो जिसकी वजह से जो लोकल रूलर्स थे उनको ये बात थोड़ी खटक रही थी कि हमारा जो किला है तो ये लोग क्यों किला बना रहे हैं और उनकी आर्मी यहाँ पर क्यों घुमा रहे हैं। तो मतलब वो ट्रेडर की जो कंपनीज थी वो तो ठीक था, लेकिन वो जो लड़ाई झगड़ा था वो अब लोकल रूलर्स के साथ भी होने लगा। फिर ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने हुगली रिवर के पास 1651 में वहाँ पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री पूरी सेटअप कर दी, जहाँ से वो अपना पूरा ट्रेड्स संभालते थे, और वो जो है हुगली रिवर वो उनका पूरा एक बेस बन गया था। एंड द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वेयर स्टोर्ड, मतलब यहाँ पर जो है गुड्स रखा जाता था जहीं, और यहीं से वो जो है पूरा एक्सपोर्ट होता था। एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट, और यही ये एक मेन ऑफिस थी जहाँ पर जो भी ट्रेडर्स आते थे वो यहाँ पर आकर बैठते थे। फिर जैसे ही ये ट्रेड एक्सपांड हुआ थोड़ा बढ़ा, उन्होंने क्या किया कि उनके जो मर्चेंट एंड ट्रेडर्स थे उनको कहा कि आप भी यहाँ आ जाओ, यहाँ पर सेटल हो जाओ, और हमारे फैक्ट्री के पास भी अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। 1696 में उन्होंने यहाँ पर एक उनका फोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था जहाँ पर वो एकदम सेटलमेंट कर सके। 1696 में उन्होंने जो ये किले बना दिए उसके 2 साल बाद उन्होंने क्या किया कि जो मुग़ल ऑफिशियल्स थे, जो मतलब मुग़ल के नीचे जो काम करते थे उनके ऑफिशियल्स को उन्होंने घूस देनी शुरू कर दी, ब्राइब्स देनी शुरू कर दी, और उनको एक लालच दिया 3 villages का, जिसमें से एक था कालीकाता, जिसको आज हम कलकत्ता या कोलकाता कहते हैं, जो वेस्ट बंगाल का कैपिटल है। एंड इट ऑल्सो परसुएडेड द मुगल एम्परर औरंगज़ेब टू इश्यू अ फरमान, और उन्होंने औरंगज़ेब को एक फरमान जारी किया। फरमान का मतलब होता है एक रॉयल ऑर्डर, जिसमें यह कहा गया कि हम जो यहाँ पे ट्रेड करते हैं वो एकदम ड्यूटी फ्री रहेगा, हम नवाब को कोई पैसा नहीं देंगे उसके लिए। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बार बार मतलब औरंगज़ेब को प्रेस करती रही, उनको मैनिपुलेट करती रही, और कहती रही कि हमें और कंसेशन दो ताकि हम कम दाम में अच्छी प्रोडक्ट बना सके और हमें थोड़ा फ़ायदा हो हमारी कंपनी को भी, और उनकी जो कंपनी है वो एकदम ड्यूटी फ्री हो। तो औरंगज़ेब ने एक फरमान जारी किया जिसमें ये कहा गया कि उनकी जो कंपनी है वो एकदम ड्यूटी फ्री रहेगी, मतलब उन कंपनी को कोई टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो कंपनी है तो कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने फिर अपना प्राइवेट ट्रेड खुद शुरू कर दिया, जिससे उनको भी मतलब नवाब को कोई पैसे देना नहीं पड़े। और जबकि ये बात बंगाल के नवाब को पता चली तो उनको लगा कि उनका जो रेवेन्यू है वो एकदम लॉस में जा रहा है। तो नवाब के जो बंगाल नवाब के जो जो बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खान, उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ये देखिए पेंटिंग विलियम सिम्पसन ने बनाई थी 1867 में, जहाँ पर जो ये लोकल बोट्स हैं वो सामान ला रहे हैं। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, मतलब जो ट्रेड का जो बिजनेस था वो मतलब बैटल में कैसे तब्दील हुआ। सो जो मतलब जो ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मतलब नवाबों को कोई ड्यूटी फ्री नहीं ड्यूटी टैक्स नहीं दे रहे थे, तो नवाबों को थोड़ा गलत लग रहा है, बुरा लग रहा था। तो उसके बाद औरंगज़ेब जो है वो मतलब उनका डेथ हो गया, उसके बाद बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने कहा कि हम यहाँ के पावरफुल हैं, हम यहाँ के ऑटोनॉमी हैं, जो बंगाल के जो
नवाब थे मुरसुक अली खान, उनके बाद बने अली वर्दी खान, और उसके बाद बने सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब बने एक के बाद एक, एंड ईच वन ऑफ देम वॉज अ स्ट्रॉन्गर रूलर, और वो सारे एक के बाद एक स्ट्रॉन्गर रूलर थे। फिर बंगाल के नवाब ने उनको मतलब कोई कंसेशन नहीं दिया, मतलब उनको कंसेशन देना बिल्कुल मना कर दिया, और उनका जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी उनके पास से और पैसे मांगने लगे और कहा कि तुम तो हमारी ज़मीन पे काम कर रहे हो, तुम्हारे तुम्हारी जो फैक्ट्री है, तुम्हारी जो कंपनी है वो हमारी ज़मीन पे है, तो तुम हमें पैसा दो, एंड डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स। तो जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने खुद के कॉइन जो है वो मिंट कर रही थी, तो उसको भी नवाबों ने बंद करवा दिया एंड स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। और जो ये लोग अपना फोर्टिफिकेशंस बना रहे थे, जो अपना किले बना रहे थे, उसको भी ये नवाबों ने रुकवा दिया। एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसाइड दे क्लेम दैट द कंपनी वॉज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब। मतलब कंपनी को मतलब ये कहा गया कि जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी वो हमारे साथ मतलब धोखा कर रही है, हमारे बंगाल के साथ धोखा कर रही है, उनका जो जो रेवेन्यू बन रहा है वो ये हमारे गवर्नमेंट को पे नहीं कर रही है, इसलिए हमारी जो ये सरकार है वो एकदम लॉस में जा रही है। एंड इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्स, राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स। तो मतलब ये लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वाले वो मतलब टैक्स देने से बिल्कुल साफ मना कर रहे हैं, राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स मतलब धमकी भरे लेटर्स लिख रहे हैं एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स। हमारे नवाब को, हमारे ऑफिशियल्स को बहुत बुरी तरह से बोल डांटते हैं बोलते हैं। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि जो ये नवाब है वो हमसे अनजस्ट डिमांड करती है ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वे रनिंग द ट्रेड्स ऑफ द कंपनी। और जो ये कंपनी है तो वो कहता है कि जो ये कंपनी है उसकी हमारी जो ये ड्यूटीज है वो एकदम फ्री कर दो, तो हम अच्छे से थोड़ा पैसे कमा पाएंगे, और ये सब तब जाके पॉसिबल होगा जब हम अपना ट्रेड और थोड़ा एक्सपांड करें, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा यहाँ पर सेटलमेंट होना पड़ेगा, हमें कुछ गांव ख़रीदने पड़ेंगे और यहाँ पे कुछ जो फोर्ट्स है वो भी बनाने पड़ेंगे। और इसी कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण ये जो है वो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर का।